है होम संबंधित 122 व्यक्तियों को तत्काल ठेका श्रमिक से हटाकर कंपनी रोल में नियमित रोजगार दिया जाए। दूसरी मांग है 129 व्यक्तियों को लिखित आश्वासन जमीन के एवज में नौकरी दी गई थी जो आज दिनांक तक नहीं दी गई है, उन्हें तत्काल में नियमित रोजगार प्रदान किया जाए। तीसरी बिंदु है बिना भूमि संबंधित सीएच एवं सप्लाई के सीमेंट सप्लाई को सीमेंट बैच बोर्ड की पेमेंट दिलाई जाए। चौथा बिंदु है जिन व्यक्तियों को कंपनी के द्वारा ज्वाइनिंग नहीं दी गई है उनके घर में माता या पिता का स्वर्गवास हो गया है, वह कंपनी में 15 दिवस तक उपस्थित नहीं हुए तो उन्हें कंपनी द्वारा ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, उन्हें तत्काल में नौकरी प्रदान की जाए। पांचवा बिंदु है कंपनी के प्रदूषण से गांवों की फसलें नष्ट होती हैं एवं चर्म रोग, श्वास रोग, दमा रोग जैसी बीमारियां होती हैं। हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। शिक्षा चिकित्सा कंपनी के शर्तों के अनुसार तत्काल में निःशुल्क कराया जाए। और सातवीं मांग है मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिया जाए, जो कि प्रबंधन आज तक यहाँ स्थानीय लोगों से कभी भी ना संपर्क किया है ना स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। यहाँ तक कि जो जमीन से भी नौकरी कर रहे हैं उनको तो स्थायी रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है, जो नौकरी पेंडिंग है उनको भी देने के लिए तैयार नहीं है। जितने सीएस सप्लाई के आज 10-10 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं उनको भी ये देने के लिए तैयार नहीं है, एक रुपये की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आज जिस रेट में भर्ती होती है आज 10 साल से पहले लोगों की जो भर्ती हुई है आज वो भी वही पेमेंट पाता है, जो कि सड़ा-फड़ा अन्याय है। कोई भी कंपनी का ऐसा रूल्स नहीं है कि जो 10 वर्षों से लगातार काम करे और जो आज की भर्ती हो उसका पेमेंट बराबर हो, पर ये अल्ट्राटेक प्रबंधन ये जो है तो शासन प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और लोगों को यहाँ पे मजबूर कर दिया है। और सभी लोग यहाँ दुखी होकर अब कोई चारा बचा नहीं है, इसलिए माइंस गेट में जहाँ हम लोगों ने जमीनें दिया है वहीं पे आके बैठे हुए हैं।